हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। काफ़ी बड़ी वैकेंसी की बात करने वाले हैं। सरकारी परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। 26,000 से भी अधिक पद हैं। प्राथमिक शिक्षक के 11,000 से अधिक पद हैं और उसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षक के पदों की संख्या है। आवेदन बिल्कुल कल से 23 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। सरकारी शिक्षक भर्ती 2024 का जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कौन से राज्य की वैकेंसी है, सभी राज्य के कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकेंगे। केवल फीस की अगर हम बात करें तो 100 रुपए मात्र जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रखी गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में, जहाँ क्लिक हेयर टू डिटेल एडवर्टीजमेंट विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो स्टार्ट हो चुकी है 23 मार्च 2024, बिल्कुल नया विज्ञापन और एप्लीकेशन जो है कल से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहेगी 6 अप्रैल 2024। अब देख लेते हैं, सबसे पहले आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा जो है वो 40 वर्ष है जनरल कैटेगरी और EWS कैंडिडेट के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष 42 ईयर है। महिला जो है किसी भी कैटेगरी की है, यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं जनरल कैटेगरी शामिल है इसमें, 43 ईयर है। अनुसूचित जाति पुरुष या महिला 45 ईयर है और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 45 वर्ष है। सबसे पहले जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य क्लास 1 से 5 के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर्स की अगर हम बात करें, लेवल 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हैं सरकारी नौकरी की 25,500 बेसिक पे रहेगी, उसके बाद जो है 81,100 तक। यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या कही गई है, तो प्राथमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 1 से 5 में। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए 12th या उच्चतर माध्यमिक, जिसे आप कह रहे हैं, इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो और साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। अभी जो है हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में BTC कहते हैं और बाकी जो है DLED DED वाले राजस्थान में BSTC कहते हैं। तो 2 वर्षीय जो है प्राइमरी लेवल का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। और भी कई ऑप्शन हैं, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, अथवा में और देखें BLED वाले 12th के साथ में अप्लाई कर पाएंगे। स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने किया है 2 वर्षीय डिप्लोमा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त तो शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय BEd, 2 वर्षीय BEd और BEd स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा वाले जो हैं बिल्कुल परीक्षा में सम्मिलित तो होने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, BEd वालों को अलाउ तो कर दिया है, साथ में इन्होंने क्या लिखा है वो आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से उसे अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में अधिकतम 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अभी जो है अगर यहाँ नियुक्ति हो जाती है, सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपको अपने ही खर्चे पर 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है 2 वर्षों के अंदर पास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो भी रद्द हो जाएगा। तो आपने देखा कि 12th प्राथमिक शिक्षक के लिए 12th के साथ में 2 वर्षीय जो है आपके पास प्राइमरी लेवल का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, जिस भी नाम से जाना जाता हो। साथ में जो है आपने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET ये आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। अभी जो है बाहरी राज्य के कैंडिडेट बिल्कुल अलाउ किए गए हैं, ऐसे कैंडिडेट जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, लेकिन JTET जो है जिनका क्वालिफाई है, तो बिल्कुल यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के लिए BLED वाले, BEd वाले, BEd वाले भी जो है अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य होगा। स्नातक प्रशिक्षित सहायक कक्षा 6 से 8 के लिए अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो यहां पर जो है आपके पास
लिखा है इन्होंने, मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो और बाकी जो है इन शर्तों को पूरा करता हो, जैसे कि स्नातक के साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यहाँ पर प्राइमरी लेवल का अगर आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बीएड वाले तो अप्लाई करेंगे ही, इसमें बीए बीएड बीएससी बीएड सभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और साथ में जो है जे टेट आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। तो स्नातक प्रशिक्षक सहायक कक्षा 6 से 8 के लिए भी जो है सभी डिप्लोमा डिग्री धारी अप्लाई कर सकते हैं और प्राइमरी शिक्षक के लिए भी। सैलरी की अगर हम बात करें यहाँ पर लेवल 5 के अकॉर्डिंग जो है स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य की सैलरी रहेगी 29,200 बेसिक पे और 92,300 या 90,000 से अधिक है सैलरी। तो शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपने देख ली। अभी अप्लाई कैसे करना है, वैकेंसी आपको पता लग ही गई है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है ये वैकेंसी जारी की गई है। 135 पेजों की ये पीडीएफ फाइल है। परीक्षा शुल्क आप देख लें केवल मात्र 100 रुपये, ठीक है, केवल 100 रुपये है। जनरल कैटेगरी के लिए झारखंड राज्य के अगर SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो केवल 50 रुपये है। फीस भी ज़्यादा नहीं है, जिनका जे टेट क्लियर है तो वो आवेदन कर सकते हैं। जिलावार जो है आरक्षित पद बिल्कुल दिए गए हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है, लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा ताकि जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं आवेदन करने के, क्योंकि कल से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं तो जिलेवार जो है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है होम पेज पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई यहीं पर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप व्हाट्स न्यू में जो है यहाँ देखेंगे व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो व्यू ऑल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबसे ऊपर ही आ रहा है, इसे जो है आप लोगों को ओपन करना है, ठीक है। अप्लाई, उसके बाद अप्लाई नाउ करना है, ओके करना है। नेक्स्ट जो है आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे कि आवेदन जो है उसके लिए पेमेंट की लास्ट डेट जो रहेगी फीस पेमेंट की, 100 रुपये ही जो है फीस लग रही है, 8 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। और अगर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, करेक्शन की डेट दी गई है 11 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक, ठीक है। तो एक जो है एग्ज़ाम रहेगा और रिटन एग्ज़ाम रहेगा और उसके बाद जो है सिलेक्शन होगा। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आप लोगों को लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को यहीं पर मिलेगी। एप्लीकेशन करने के लिए जो है आप लोगों को यहाँ पर आना होगा। थैंक यू।